नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत अच्छा माहौल भी है। एक जो पूरा सेशन आप थंबनेल देख ही लिए होंगे, मेरे बैकग्राउंड में भी आप चीजें देख रहे होंगे किसके संदर्भ में मैं बात करने वाला हूं, लेकिन ये बात मैं बहुत ही डाउन लेवल तक बहुत ही इसकी ब्रीफिंग करते हुए एक एक इफ और बट सब कुछ समझाते हुए कि कैसे आपके लिए अचानक सारा माहौल बदल गया है, कैसे आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है और इस वर्ष 2022 और 2023 में आपको एक नौकरी लेने का जो एक सपना है या जो एक चाह है, एक जरूरत है, वो किस तरीके से बहुत आसानी से बहुत कम एफर्ट में पूरी की जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि मानो ईश्वर आपके लिए साक्षात खड़ा हो। तो इस पूरे सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। एसएससी सीजीएल से संबंधित सारी जानकारी, इसके प्रिपरेशन से लेके इसके स्ट्रेटजी, इसके वीडियो, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स, कैसे क्या करना है, सब कुछ टीम परीक्षा प्लस आपके द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से लेके आने वाली है। और ये पूरा सब कुछ मिलने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक टीम के साथ जुड़ाव रखना पड़ेगा टीम को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम लोग आते हैं, 20,000 पद कम नहीं होते, बहुत बड़े पद होते हैं। और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारा कंपटीशन जैसे बढ़ता जा रहा है, तो राज्य स्तरीय परीक्षा को ही नहीं, केंद्र स्तरीय परीक्षा पे भी अब हमें समय दिमाग लगाने का समय आ गया है। और दूसरी बात जो मैं दो की पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि इस बार जो पूरा पैटर्न बदल गया है, क्वालिफाइंग हो गया है टीयर वन, उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, उससे कट ऑफ कितना नीचे आएगी, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, क्या सही तरीके से आप कर सकते हो और क्यों आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात, ये पूरा वीडियो ज्यादा मैं उनको फोकस कर रहा हूं, मैं पहले ही बता दूं कि जो एसएससी सीजीएल के नाम से डरते थे या एसएससी सीजीएल को पहले छोड़ चुके थे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वर्ष 2012-13-14 वाला माहौल आपके लिए फिर से बन गया है और अब आपके लिए एसएससी सीजीएल बहुत आसान हो गया है और पैटर्न आपके फेवर में तो आ गया। दूसरी बात, वैकेंसी भी बहुत बम्पर आई है और इतनी वैकेंसी शायद पिछले 10-15 साल में कभी नहीं देखने को मिली थी जितनी इस बार आई है। आइए हम लोग बात करते हैं कि इस पे बात करेंगे कि सबके लिए आसान पैटर्न हो गया, कंप्यूटर टाइपिंग वालों की मौज हो गई है और सभी के लिए टाइपिंग अनिवार्य हो गई है, टाइपिंग अनिवार्य हो गई है, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। और अब कट ऑफ कितना नीचे गिरेगा इसको भी मैं आपके लिए चर्चा करता हूं। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कहां से करें तैयारी, सब कुछ बताएंगे। ये कुछ की पॉइंट्स है बच्चों, मैं अगला ये करीबन 20-25 मिनट का सेशन होगा, बहुत ध्यान से सुनो और अगर ये पूरी वीडियो देख ले तो आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नोटिफिकेशन में एक एक जो की पॉइंट है सब कुछ मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं और सारी जानकारी मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। सबसे पहली बात तो प्री क्या हो गया है, क्वालिफाइंग हो गया। इससे पहले क्या होता था, एसएससी में प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नहीं होता था, उसके मार्क्स जुड़ते थे। और नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के मार्क्स, यदि आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता दूं, आउट ऑफ 200 में 210 चले जाते थे। ये नॉर्मलाइजेशन का था कि मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा नंबर पा जाते थे और ये जो 210 नंबर होता था, और ऐसे एक दो नहीं होते थे, 200 प्लस की संख्या हजारों में होती थी। किसकी बदौलत? नॉर्मलाइजेशन के बदौलत होती थी, इस बात को समझिएगा। और जो कट ऑफ होता था, मैं कट ऑफ अगर बता दूं कि ये लगभग 128 से लेके 140 तक विभिन्न वर्षों में क्या किया है, वेरी किया है, एक साल 125 भी गया है। मतलब आप मान सकते हो कि 70-75% इसका क्या जाता है, कट ऑफ जाता है, 65-70% मान के चल सकते हो, कितना, 65-70% इसका क्या जाता है, कट ऑफ जाता है टोटल पेपर का, प्रीलिम्स का। अब होता क्या था कि कट ऑफ के ऊपर जो बच्चे 20-25 नंबर ज्यादा पाते थे, जैसे कट ऑफ अगर 130 गई है तो जिनके 155-160 नंबर पाते थे वो मानते थे कि उन्हीं का माना जाता था कि इसका सिलेक्शन पक्का है वरना सिलेक्शन पक्का नहीं है। और ऐसा होता था कई बार, किस्मत का खेल हो जाता था, नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाता था या केवल एक फिक्स पैटर्न पे, क्योंकि एसएससी का फिक्स पैटर्न सदियों से चलता आ रहा है, 25-25-25-25 रीजनिंग 25 मैथ 25 जीएस 25 इंग्लिश। और जो बच्चा मेंस की तैयारी में जुट जाता था, मेंस एक दो बार लिख देता था, उसके लिए प्रीलिम्स बहुत आसान हो जाती थी। लेकिन अभी ये पूरा गेम क्या हो गया, पूरा गेम हो गया है चेंज। मतलब जो पहले से तैयारी किया था, नहीं किया था, कर रहा है, सोच रहा है, वो सब लोग क्या हो गए हैं, एक पटरी पे आ गए हैं। इसे क्या कर दिया है, क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है। अब एक बात समझना कि इस बार फिर से अगर पेपर का स्तर एवरेज रहा तो कट ऑफ फिर से 70% से ज्यादा नहीं जाएगी। मतलब अगर आपके 140 और 145 नंबर कितने में, 200 में से बन जाते हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे और मेंस में इंटर कर जाओगे। और सबसे अच्छी बात मेंस में यह है कि खासकर मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं जो राज्य स्तरीय परीक्षा देते रहते हैं, आप लोग अपने अपने राज्य, जैसे यूपी हो
गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, इनमें क्या होता है कि अपना जो रीजनल होता है वो तो चलता ही चलता है, रीजनिंग ज्यादा पूछी जाती है, जीएस ज्यादा पूछी जाती है, कंप्यूटर पूछा जाता है, इन सबको पूछा जाता है। एसएससी में ऐसा पहले नहीं होता था। एसएससी में मेंस में 100 क्वेश्चन आपका मैथ्स का होता था, 200 क्वेश्चन इंग्लिश का होता था, 300 क्वेश्चन होते थे जो आपका जनरल पोस्ट के लिए होता था, बाकी स्पेशल पोस्ट के लिए जैसे एएसओ वगैरह हो गया, एसएसओ हो गया, उसके लिए अलग होता था, उसकी भी चर्चा करूंगा। आप ऐसे समझो कि 100 क्वेश्चन मैथ्स का होता था और 200 क्वेश्चन किसकी होता था, इंग्लिश का होता था। अब जिस बच्चे की इंग्लिश मजबूत होती थी वही बच्चा क्या करता था, मेंस क्वालिफाई अच्छा कर पाता था, क्योंकि यहां पे 160 170 नंबर 200 में लाने होते थे। मैथ्स में भी जिसके 70 75 नंबर के ऊपर होते थे वो अच्छा स्टूडेंट माना जाता था, मतलब 70 75 यहां पे हो, 160 170 प्लस यहां पे हो और 160 155 प्लस यहां पे हो, तब जाके वो क्या होता था, एक सिलेक्शन के नजदीक पहुंचता था। अभी क्या हो गया है, अभी प्रीलिम्स एकदम दिमाग से हटा दीजिए, अब आ गया मेंस, और मेंस में केवल इंग्लिश और मैथ नहीं रह गया है। मेंस में अगर आप पैटर्न को देखो, एक मोटा मोटा मैं आपको पैटर्न दिखाता हूं, ये प्रीलिम्स का, मेंस का पैटर्न क्या हो गया है, आप देखो मैथ 100 क्वेश्चन जहां पे पूछता था अब केवल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसकी जगह पे आ गया है 30 रीजनिंग। मतलब अगर आप राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप राजस्थान में किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो रीजनिंग हर जगह बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हो और एक हाई लेवल की पढ़ते आ रहे हो। मतलब आपको यहां पे एक बोनस मिलकर चल रहा है, मैथ्स कम हो गया है और रीजनिंग अच्छी हो गई। अच्छा, जिनकी मैथ्स अच्छी होती है उनकी रीजनिंग ऑलरेडी अच्छी होती है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनकी केवल रीजनिंग अच्छी होती है, मैथ्स अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल हो गया है। दूसरी बात, जहां पे इंग्लिश 200 क्वेश्चन आता था, और केवल 200 क्वेश्चन नहीं, 200 क्वेश्चन मेंस में आता था और 25 किस में आता था, प्री में आता था, जिस जो मेंस में इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करता था वो प्रीलिम्स में 25 में 25 से 24 क्वेश्चन कर लेता था। अभी ये पूरा ही मॉड्यूल क्या हो गया, 225 की जगह पे केवल क्या हो गया है, 45 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा। और इस 45 क्वेश्चन में भी मैं आपको बता दूं, जो जनरली लोग नहीं बता रहे, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को वीडियो बनाने की जल्दी ज्यादा रहती है और नोटिफिकेशन पढ़ने की जल्दी, उतना नोटिफिकेशन तरीके से ही पढ़ते हैं। आप देखते हो कि टीम परीक्षा प्लस हमेशा बहुत ही एनालिसिस करके चीजों को लेके आती है, तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि तीन पैसेज होंगे, और अगर तीन पैसेज होंगे तो ये 5 क्वेश्चन ईच होगा, मतलब 15 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, 15 क्वेश्चन केवल पैसेज के होंगे। और ये भी उसने इस बार बता दिया है कि पैसेज का स्कोप दे दिया है कि एक पैसेज आपका स्टोरी टाइप में होगा, जनरल स्टोरी बहुत आसान सा होगा, 2 पैसेज आपके करंट इवेंट्स पे होंगे, तो आप अगर न्यूज़पेपर में इंग्लिश के एडिटोरियल पढ़ते चल रहे हो तो आप इस 15 में नंबर उठा सकते हो। मतलब ये जो 45 है इसे मैं 45 ना बोल के इसे मैं क्या बोलूंगा, 15 प्लस 30 बोलूंगा। अब आप ऐसे देखो कि 30 मैथ हो गया, 30 रीजनिंग हो गया, 30 आपका क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, 15 आपका रीडिंग कंप्रेहेंशन हो गया, और इसमें बच्चों के नंबर उठ जाते हैं, वो चाहे अंग्रेजी भाषी हो या चाहे हिंदी भाषी हो, थोड़ी सी भी अगर समझ डेवलप कर लेते हैं। और टीम परीक्षा प्लस आपको इतना बेहतर ये करवा देगी कोर्स में, मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके 15 के 15 नंबर सॉलिड हो जाएंगे। तो ये आपका आसान हो गया है, 15 इस 45 में से आप आराम से उठा लोगे, और इस 30 में भी अगर आप वोकैब पार्ट जाओगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडम फ्रेजेस हो गया, और आपका कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स और वोकैब बेस्ड फिलर हो गए, तो इस 23 में से कम 15 प्लस क्वेश्चन आपके आसानी से उठ जाएंगे। और मेंस में क्योंकि एक्टिव पैसिव भी पूछेगा, नरेशन पूछेगा, तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र का होता है या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है उसका ग्रामर में नरेशन अच्छा होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे बोलते हो, ग्रामर में उसका एक्टिव पैसिव अच्छा होता है, टेंस अच्छे होते हैं, तो वहां से भी आप नंबर उठा के इंग्लिश अब आपके लिए इजी केक हो गई है। उसके बाद मॉड्यूल सबसे अच्छी बात है, आपके लिए जीएस 25 क्वेश्चन आएगा, और मेंस में जीएस स्टैटिक बेस नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट बेस रहेगा, मैं आपको बताऊं तो ये जीएस आपके लिए यहां पे फायदेमंद हो गया। कहने का मतलब इसमें पूरा जो मेंस है उसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग को रखा गया है, सेक्शन 2 में आपको जीएस और इंग्लिश को रखा गया है, और सेक्शन 3 में 2 मॉड्यूल है जिसमें एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ये सीपीटी, ठीक, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है 20 नंबर का, और ये भी क्या है, एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, क्या है, एमसीक्यू है, मतलब ये 4 सेक्शन ये और एक कंप्यूटर वाला, ये आपका क्या होगा, ये एक साथ होगा, एक ही पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और उसके बाद, और इसका जो पूरा टाइम होगा, आप ऐसे समझो कि यहां से लेके यहां तक 2 घंटे 15 मिनट तक, 2 आवर एंड 15 मिनट है ना, 2 आवर 15 मिनट का पेपर ये होगा, और 15 मिनट की टाइपिंग सबके लिए कंपलसरी है। आप चाहे जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप चाहे
किसी ऐसे पोस्ट के लिए कर रहे हो जो आपका पहले क्या होता था असिस्टेंट वाली पोस्ट होती थी, या आप जेएसओ एसएसओ के लिए कर रहे हो, या आप सीबीडीटी सीबीआईसी के लिए कर रहे हो, एनआईए के लिए कर रहे हो, किसी पोस्ट के लिए भी कर रहे हो, मंत्रालय वाले पोस्ट के लिए कर रहे हो, सभी में आपको टाइपिंग जरूरी हो गई है। और टाइपिंग 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट के अंदर करना है। अगर आप इसे वर्ड पर मिनट में देखोगे तो 25 से 30 गिरेगा। टाइपिंग बहुत कठिन नहीं है, लेकिन टाइपिंग आपको आनी चाहिए। जो बच्चे नहीं करते हैं जनरली टाइपिंग, उनकी 15 भी नहीं गिरती है। 30 की स्पीड हर 35 हर जगह मांगता है, और यहां पे 25 से 30 आपका मांगा गया है। और इसका अलग से अभी एसएससी जो है अपने बोर्ड पे वेबसाइट पे अलग से इसकी सारी गाइडलाइंस देगा कि कैसे इसमें कराना है। तो ये है आपका मेंस। अब मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि आपका ये तो जो बुक है जो हम कोर्स में दे रहे हैं, बहुत सस्ता कोर्स है 5000 में। हालांकि मेरा ये मतलब नहीं, आपको ये मैं बताऊं, अभी मेरा मेन फोकस है आपको सारी चीजें समझाने का। तो अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि जैसा पैटर्न हो गया है कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाइंग हो गया तो अब जो ऑलराउंडर है, मतलब इंग्लिश में कहा होता है ना जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन। पहले क्या था कि जो इंग्लिश और मैथ्स के ज्ञानी होते थे किंग होते थे, उन्हीं का सिलेक्शन होता था। अब पहली बात तो प्रीलिम्स गया तेल लेने, दूसरी बात मेंस आ गया, मेंस में भी कंप्यूटर पूछ रहा है, मेंस में भी जीएस पूछ रहा है, मेंस में भी रीजनिंग पूछ रहा है, मैथ्स और इंग्लिश कम हो गया। पहले 300 क्वेश्चन टोटल होते थे, अब सब मिला के 150 क्वेश्चन है। तो अब आपको बनना पड़ेगा ऑलराउंडर। और जो ऑलराउंडर है, और मुझे पता है कि आप सभी जो राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हो पहले से, उनको ऑलराउंडर ऑलरेडी होते हो। अभी मैथ्स एडवांस पूछ ली जाए तो शायद आप नहीं लगा पाओगे, लेकिन मैथ्स बेसिक पूछ लिया जाए, रीजनिंग बेसिक पूछ लिया जाए, जीएस बेसिक पूछ लिया जाए, तो शायद आपसे अच्छा कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और यही आपकी ताकत है। दूसरी बात दिमाग में रखना है कि 20,000 पद कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा पद है, बहुत ज्यादा पद है। और इसमें अगर आप हाथ डाल दिए, दूसरी बात नया पैटर्न है तो सभी की सिचुएशन सेम है, कोई बहुत तेज नहीं है, कोई बहुत लिद्दड़ नहीं है, सब एवरेज पे आ गए हैं। और इस कारण से जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाला है। पहले कट ऑफ अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा पहुंच जाता था, 5.5-500 नंबर, 530-530 पहुंच जाता था। अब अगर आप देखोगे टोटल 450 नंबर, और 450 नंबर में से 250 नंबर भी पाने वाला बच्चा क्या हो जाएगा, इस बार क्लियर कर जाएगा। और ये आप देख लीजिएगा, मैं अभी बोल रहा हूं, अगर पेपर एवरेज रहा, पेपर बहुत आसान नहीं हो गया तब तो बात अलग है, 250 नंबर पाने वाला भी बच्चा 450 में से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ की पॉइंट ये है, आप समझना की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि इस बार मेंस में सारे सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब सारे सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी है। जैसे सेक्शन वन में मैथ और रीजनिंग है 60 क्वेश्चन है, और उसका 30% आपको लेके आना ही लाना है, तो 60 क्वेश्चन का 30% 18 क्वेश्चन दोनों मिला के आपको करना ही करना है। ऐसे ही आपका जो सेक्शन टू है इंग्लिश, और कौन सा है उसमें जीएस रहेगा, उसमें भी आपको 60% करना है, वहां पे 70 क्वेश्चन है, तो 30% करना है 70 क्वेश्चन, तो 21 क्वेश्चन वहां पे करना है 70 में से। और जो तीसरा है आपका, जैसे जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और आपका टाइपिंग वाला, उसमें क्या है 20%, मतलब कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन है, तो 20 का 20 क्वेश्चन मतलब कि कितना हो गया, 4 क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करना है, तो 4 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर का मार्क्स, इन ये दोनों भी क्या है, ये दोनों कंपलसरी तो हैं, बट क्वालिफाइंग है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका ये नंबर नहीं जुड़ेगा, नंबर जो जुड़ेगा वो आपके दो ही सेक्शन से जुड़ेंगे, इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है कि कोई ऐसा पद जहां पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का मांगा गया है, या कंप्यूटर टाइपिंग का स्पेशली हमेशा से मांगता आ रहा है, उसके लिए एक अलग से वो मेरिट का स्टैंडर्ड निकालेंगे, उसके बिहाफ पे करेंगे, जो बाद में वो प्रीलिम्स हो जाने के बाद मेंस में वो लोग डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि कंप्यूटर और इसका, कंप्यूटर का भी मार्क्स कंसीडर कर ले टाई ब्रेकअप में, या हो सकता है कि इसका मार्क्स कंसीडर ना करके वो कुछ और पैरामीटर ले लें। लेकिन अभी आप मान के चलो, क्योंकि टाइपिंग और कंप्यूटर कंपल्सरी है और क्वालिफाइंग है, तो ये मान के चलो कि आप सभी का मार्क्स भी जुड़ रहा है, पहले से दिमाग में लेके चलो, क्योंकि ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है कि मार्क्स जुड़ेगा, बट उन्होंने ये लिख दी है कि क्या करेगा, इसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड निकाला जाएगा, जहां पे सीपीटी और आपका टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है, ठीक है, डेटा एंट्री और डीईएसटी की बात करें तो कट ऑफ नीचे जाएगी। पेपर के स्तर में कितना बदलाव आएगा, अब ये बहुत बड़ी पॉइंट है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी तक पेपर क्या होता था, क्योंकि 100 क्वेश्चन मैथ्स के बनाने होते थे जब आयोग को, तो भाई 100 क्वेश्चन आसानी तो नहीं बना पाएगा, उसे टफ भी रखना होता था, तो वो एडवांस में बहुत डीपली चला जाता था। और रिसेंट में एसएससी के पेपर्स देखा जाए तो उसमें क्या होता है,
कैलकुलेटिव पेपर बहुत बना देता था अरिथमेटिक के पार्ट को। जैसे आप 2017 का पेपर देखोगे तो 2017 में एसएससी सीजीएल का एडवांस पार्ट जो मेंसुरेशन था, ज्योमेट्री था, सर्कल वगैरह के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, कैट लेवल के क्वेश्चन थे। 2019 और 20 में देखोगे तो 2019-20 में अचानक से बदलाव करके उसने क्या किया, उसने अरिथमेटिक वाले पार्ट को क्या किया, उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड कर दी, टाइम एंड वर्क हो, परसेंटेज हो, चार चार लाइन का, पांच पांच लाइन का, छह छह लाइन का क्वेश्चन दे दिया। क्यों? क्योंकि 100 क्वेश्चन होते थे और वहां पे 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होते थे। अभी क्या है, अभी आपको 30-30-60 मतलब उसको कितना मिलेगा, टोटल ही आपको 2.25 घंटे मिल रहे हैं, 150 क्वेश्चन करने में 2.25 घंटे ही मिल रहे हैं, एक ही पेपर हो रहा है आपका। तो अब क्या हो रहा है, अब आपके पास समय भी कम है तो इस हिसाब से पेपर का स्तर नीचे आएगा, बहुत एडवांस नहीं पूछेगा। मैं जानता हूं बहुत सारी कोचिंग अभी बोलेंगी ये पढ़ लो वो पढ़ लो, सिलेबस में दिया है बट उसका स्तर क्या हो जाएगा, बच्चों नीचे हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक लेवल बहुत हाई नहीं कर सकते हैं, तो एक एवरेज लेवल का, बहुत नीचे भी नहीं होगा। ये मत सोचो कि वो CHSL लेवल का दे देगा, वो MTS लेवल का दे देगा या क्लर्कियल लेवल का दे देगा, नहीं, वो अच्छे लेवल का देगा लेकिन इतना कैलकुलेशन हो सकता है ना कराए, या ऐसा हो सकता है इतना डीप कॉन्सेप्ट ना पूछे। तो मैं फिर से बोला कि आपको ऑलराउंडर बनना है, जैक ऑफ, अब टॉपिक में भी है तो जैक ऑफ ऑल टॉपिक आपको बनना है, हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जैसे इस बार इसने क्या किया है, मैथ्स में 3 टॉपिक इंक्लूड किया है, इसमें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल डेविएशन, डेविएशन और टेंडेंसी से मीन, मोड, मीडियन और आपका सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस, ये जो होता है इनसे क्वेश्चन पुट करेगा। तो स्टैटिस्टिक के 2-3 क्वेश्चन रख देगा, 1-2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के रख देगा, 4-5 क्वेश्चन आपका किसमें रख देगा, कम से कम 10 क्वेश्चन उसे अरिथमेटिक का रखना पड़ेगा। तो एडवांस पार्ट बचा कहां आपका, 1-2 क्वेश्चन अल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे रखेगा, मतलब हर पार्ट से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, तो वो बहुत टफ पेपर नहीं बनेगा, वो चाहे मैथ की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो। इंग्लिश में उसे 45 टोटल क्वेश्चन पूछना है, 15 पैराग्राफ पूछना है, जिसमें वो खुद बोल रहा है कि 5 आसान पूछेगा, 10 टफ कहां से कर देगा, वो भी मॉडरेट लेवल का होगा। अब ग्रामर को बहुत टफ नहीं किया सकता, ग्रामर टफ नहीं होती, ग्रामर इजी नहीं होती, जिसको आती है उसके लिए आसान, जिसका नहीं आती उसके लिए टफ होती है। तो वो उसके पार्ट को हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, जब मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा तो वहां पे डिस्कस करूंगा। कंप्यूटर की बात आ गई तो कंप्यूटर में आपको करना तो है ही, और उसकी सेक्शनल कट ऑफ निकालना है, 4-5 नंबर तो आपको बेसिकली करना है, हालांकि पहले भी इतना पूछता था, अभी भी आप कर ले जाओगे, लेकिन अगर स्पेशल पोस्ट के लिए मार्क्स जोड़ दिया तब आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले से ही मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर को भी हल्के में लेके मत चलो और आज से ही टाइपिंग करो। इसकी जो डेट है, डेट दिसंबर में ही दे दिया है, एग्जाम हो जाएगा प्रीलिम्स का, तो कोई बात नहीं, प्रीलिम्स का एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा, आपके पास सितंबर का आधा महीना बचा हुआ है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर, मतलब 90 दिन आपको लगभग मिल रहा है, 90 दिन में प्रीलिम्स 25-25-25-25 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपके 75 इंग्लिश में अगर आप तुक्का मार के चले जाओगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रीलिम्स में क्या है, 1/4 निगेटिव है, लेकिन मेंस में क्या हो गया है, मेंस में 1/3 निगेटिव हो गया है। अभी तक हर जगह क्या होता था, हर जगह आपका 1/4 निगेटिव होता था, इस बार मेंस में क्या हो गया, 1/3 निगेटिव हो गया है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं, बाकी जो 2 स्पेशल पोस्ट है उनके लिए तो 1/4 ही है, बट जो पेपर 1 है उसके लिए क्या है, पेपर 1 के लिए 1/3 हो गया, यहां पे भी गेम चेंजर होगा और इस कारण से भी कट ऑफ नीचे आएगा। एक पॉइंट उसने बहुत बारीकी से लिखी है, पोस्ट प्रेफरेंस, हालांकि पोस्ट प्रेफरेंस एसएससी के लिए हमेशा ही एक खास बात रही है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि उसने नोटिफिकेशन में अच्छे से लिख दिया है कि अगर आप कोई पोस्ट प्रेफर कर लेते हो और उसके बाद में उसके मेडिकल या पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जैसे कुछ ऐसे पद होते हैं, सीबीडीटी हो गया, सीबीआईएस हो गया, या बीआरओ पे कुछ पोस्ट होते हैं, तो इन सब पद में जहां पे वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या मेडिकल टेस्ट स्पेशली मांगता है, अगर आप कोई पहले से भर दिए हो प्रेफरेंस में और उसके बाद उसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं है कि वहां से नीचे वाला पद आपको दे दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्जाम में। ये की पॉइंट है, कुछ की पॉइंट मैं आपको लिख दे रहा हूं यही पे, है ना। तो एक बात समझना कि यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस की पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना कि ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है, अगर ये गलत कर दिए तो आप वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दूसरी बात, जब आप पेपर वन और पेपर टू जो मेंस है उसके पेपर वन को जब आप क्वालिफाई कर लोगे, इसको क्वालिफाई कर लोगे, तभी आप टाइपिंग कर पाओगे, वरना आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे, वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये 2 बहुत मेजर पॉइंट हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि टाइपिंग सभी के लिए कंपलसरी है, टाइपिंग सभी के लिए कंपलसरी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप दिमाग में लेते हुए चलो।
तो ये आपका प्रीलिम्स का है, मैं आपको पूरा उससे दिखा देता हूं एक बार। हालांकि बीच में मैं आपको यह बता दूं पूरी विकृत दिखाने से पहले कि यदि आप कोर्स से जुड़ना चाह रहे हो तो कोर्स टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतर, इसकी पूरी तैयारी, आप पैनिक मत हो, परेशान मत हो। मैं जानता हूं कि आप ऐसे बच्चे हो जो राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और मैं बिल्कुल उन्हीं पर फोकस करके इस कोर्स को लॉन्च कर रहा हूं। देखो जिनकी मैथ और इंग्लिश स्ट्रांग है उनकी तो स्ट्रांग है ही है, अब हमें तैयार किसको करना है, हमें तैयार करना है मैथ और इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर को, जीएस को और रीजनिंग को बराबर लेके चलना है, क्योंकि सबका जो वेटेज है वो बराबर है, लगभग कोई किसी से कम कोई किसी से ज्यादा नहीं, और निगेटिव भी 1/3 की है। तो टीम परीक्षा प्लस स्पेशल जो बुक्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, बहुत मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की, सब प्री कम मेंस और जनरल स्टडीज और कंप्यूटर के टीयर 2। और इस बार हम लोग प्रीलिम्स का बैच भी नहीं निकालेंगे, हम लोग प्री कम मेंस एक साथ ही तैयारी करवाएंगे, क्योंकि पहले पहले जो 3 महीना होगा उसमें आपको प्रीलिम्स के लिए फोकस करेंगे और उसके बाद जो आपका 2-3 महीना मिलेगा उसमें हम सबसे ज्यादा आपको क्या थोड़ा बहुत कंप्यूटर और रीजनिंग और जीएस इस पे भी ज्यादा फोकस होंगे। तो एक पैरेलल जैक ऑफ ऑल की तरह लेते चलते हुए आपकी तैयारी बहुत समग्र रूप से तैयारी कराई जाएगी, पूरा लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस आपको बहुत सारे टेस्ट इसमें दिए जाने हैं, फुल लेंथ सेक्शनल सब कुछ, और आपको बहुत ही प्रॉपर ये जो बुकलेट है ये आपको मिलेंगी। तो इसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कोर्स के बारे में, अभी आप समझ लो कोई इंटरेस्टेड होगा तो कहां पे जाके गूगल प्ले स्टोर पे जाके परीक्षा प्लस ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो, वहां पे कोर्स लगा है और उस कोर्स से आप जाके परचेज कर सकते हो परीक्षा प्लस। ये आप देख लीजिएगा, परीक्षा प्लस आपको इंस्टॉल करना है और परीक्षा प्लस में आपको सबसे ऊपर कोर्स मिल जाएगा, वहां पे ये ऑफर चल रहा है। मैं सारे उन बच्चों के लिए जो हमसे पहले ही टाइपिंग वाले बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जो जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी कोर्स में, उनके लिए ये फीस मैं मिनिमम करता हूं, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति भी इस टाइम ड्यूरेशन में खरीद सकता है तो खरीद सकता है। ये 80% ऑफ चल रहा है अभी इसका, सितंबर के बाद से 1 अक्टूबर से इसकी फीस आपकी 1299 हो जाएगी, मैं अभी से बता दे रहा हूं, बढ़ जाएगी ठीक है, और उसके बाद फिर ये बढ़ते बढ़ते 3000 तक जाएगी, 3000 का प्राइस है। खैर ये बात की बातें हैं, जो मेन मेरा कंसर्न है आपको सारी चीजें बताना, मैं उस पे आता हूं, इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करोगे तो भी चलेगा। मेरा मेन था मकसद आपको दिखाना कि ये हां विज्ञप्ति को अच्छे से देख लें, तो ऊपर से एक बार हम सारे की पॉइंट को देखते आते हैं कि क्या नेसेसरी है क्या जरूरी है आपको। मैं मोटा मोटा सब कुछ आपको बता दिया हूं बट फिर भी एक बार आप इसे देख लो। तो एसएससी के द्वारा 17 तारीख यानी कि कल के ही डेट से, आज 18 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, 17 तारीख से ही इसका फॉर्म चालू हो गया और फॉर्म भरने में समय बहुत कम दिया है, केवल 8 अक्टूबर तक आप भर सकते हो, मतलब आपके पास 13 और 8 मुश्किल से 20 दिन है, इससे ज्यादा दिन नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो दिसंबर में ही इसकी क्या हो जाएगी, दिसंबर में इसकी परीक्षा हो जाएगी ठीक है, दिसंबर में इसकी क्या हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना है। हाँ फिर देखो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीएस सेकंड कंप्यूटर, ये अभी बाद में बताया जाएगा, आगे देख लेते हैं, मैं वही चीज आपको दिखाऊंगा, ये सारे पोस्ट दिए हुए हैं, ये आप नोटिफिकेशन में खुद भी देख सकते हो, मैं आपको केवल वो पॉइंट बता रहा हूं जो आप समझ नहीं पाते हो या जो आपकी सबसे ज्यादा क्वेरी होती है। अच्छा इसके अतिरिक्त भी यदि आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हो और उसके बाद हम उसका रिप्लाई बहुत अच्छे से दे देंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। इसके अतिरिक्त आप जो भी पूछना है वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है नोट में, द कमीशन मेक्स फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट का प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट एंड वंस अ पोस्ट इज अलॉटेड नो चेंज ऑफ पोस्ट विल बी मेड बाय द कमीशन ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी पोस्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल मेडिकल एजुकेशनल स्टैंडर्ड ATC। मतलब पोस्ट प्रेफरेंस आपको बहुत सावधानी से भरना है, अगर आप कोई पोस्ट प्रेफरेंस भर दे तो मान लो आपके नंबर अच्छे हैं, पोस्ट प्रेफरेंस आपने CBDT भर दिया है और उसका PhD नहीं निकाल पाते हो तो आपके नंबर अच्छे होने के बावजूद भी आप कोई भी पद नहीं पाओगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अपना मेडिकली जो टेस्ट है, आप नोटिफिकेशन इसकी एक अलग से वीडियो भी बना दी जाएगी, आपका मेडिकल क्या लगेगा फॉर्म भरने के दरमियान ही, कैसे मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होना चाहिए, तो ये आप पहले से देख लीजिएगा, फिर 1-2 दिन फॉर्म रुक जाइए तब भरिएगा, थोड़ा इसकी जानकारी ले लीजिए, पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पर। तो अगर आप पहले से मेडिकली फिट नहीं हो या आप लग रहा है PhD क्वालिफाई निकल रहे हो तो उस पोस्ट को ना भरो तो ज्यादा बेटर है, या पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे नीचे रखो वो ज्यादा बेटर है, ऊपर मत रखना। उसके बाद देखा जाए जो जरूरी पॉइंट है, जरूरी पॉइंट एज लिमिट है, तो SSC में हमेशा से ही जो एज लिमिट होता है वो 18 से 27 साल होता है, लेकिन कुछ पोस्ट होते हैं जैसे जो ग्रुप बी वाले पोस्ट होते हैं और जो स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का जो पोस्ट होता है उसमें 32 साल तक भी होता है, तो जितने ग्रुप बी वाले पोस्ट है उसमें 18 से 30 है, जितने ग्रुप सी वाले हैं लगभग सभी नहीं एक दो उसमें हट भी सकते हैं, तो उसमें क्या है ग्रुप सी वाले में 18 से 27 है और स्टेटिस्टिक वाले का 18 से 30 है, इसे आप देख सकते हो। तो जो ये डेट कैलकुलेट कर रहे हैं ये 2-1 से कैलकुलेट कर रहे हैं,
ये देखिएगा, दो एक 1995 से लेके एक एक 2014 तक यहां पे कर रहे हैं, उसके बाद दो एक 1992 ये किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, जिससे 20 से 30 के लिए है, 18 से 27 यहां पे मोस्टली ग्रुप सी वाले पोस्ट हैं, यहां पे मैक्सिमम ग्रुप बी वाले पोस्ट हैं, 20 से 30 वाले ये भी 20 बी वाले पोस्ट हैं, ये आपका जो स्टेटिस्टिक वाला पोस्ट है वो सांख्यिकी वाला, उस वाले पोस्ट के लिए क्या है केवल 32 साल है। तो 1990 से लेके 1-1-2004 तक, ये दो तारीख से जनवरी से ले रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो एज का भी ठीक ठाक है, कुछ इसमें अलग से नहीं किया गया है। आगे देख लेते हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको दिखा दूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एज क्राइटेरिया हो गया, ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसलिए क्या लिखा है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, सबसे अच्छी बात है कि सारे पोस्ट में अगर आपके पास केवल डिग्री हो सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपका स्टेटिस्टिक हो, चाहे आपका अकाउंटेंट वाला कोई पोस्ट हो, चाहे आपका सीबीडीटी हो, सीबीआईसी हो, या फिर आपका कोई एक्सटर्नल अफेयर्स वाला पोस्ट हो, या फिर आपका रेलवे वाला कोई पोस्ट हो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, सब में ही आपका क्या है ग्रेजुएशन है। तो क्या है बैचलर डिग्री किसके लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट के लिए भी क्या है बैचलर डिग्री, ये एसेंशियल है। यहां पर पॉइंट लिखता है डिजायरेबल, तो बच्चों में बता दूं कि डिजायरेबल मतलब क्या होता है, डिजायरेबल मतलब होता है कि उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, वह अधिमानी अहर्ता जिसे बोलते हैं। एसेंशियल ये है, अगर आपके पास केवल क्या है ग्रेजुएशन की डिग्री है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोई व्यक्ति जिसके पास ये डिग्री भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की है या मास्टर इन कंप्यूटर है या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में, तो उसको क्या दिया जाएगा, उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, बस ये है एसेंशियल का। और उसके बाद क्या बोल रहा है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और शेड्यूल बी एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में 60% मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेजुएशन आप करो ग्रेजुएशन आपका मैथ्स से होना चाहिए, उसमें जनरली बीए वाले नहीं भर सकते हैं, है ना, या ऐसे कोई होम साइंस वगैरह वो नहीं भर सकते हैं, इसमें आपका मैथमेटिक्स का होना चाहिए ट्वेल्थ में भर सकते हैं केवल ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स वाले, अगर ट्वेल्थ में आप मैथमेटिक्स किए हो बाद में आप बीए किए हो कुछ भी किए हो बीएससी किए हो डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो लेकिन ट्वेल्थ में मैथ होना नेसेसरी है, और मैथ में 60% मार्क्स अगर आप पाए हो उससे ज्यादा या 60% या 60% से ज्यादा तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, किसके लिए जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। लेकिन इसके लिए एक अलग से पेपर भी होता है, पेपर 3 जो होता है 100 क्वेश्चन का अलग से पेपर होता है, यह ध्यान दीजिएगा। या फिर आपका किसी क्या हो स्टेटिस्टिक बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विद स्टेटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, आपके पास कोई अगर क्या है ट्वेल्थ में मैथ नहीं है या 60% मान लो नहीं है, अगर तब के लिए है कि अगर ट्वेल्थ में 60% मार्क्स मैथ्स में नहीं है केवल मैथ सब्जेक्ट में, तब आपके पास अगर स्टैटिस्टिक की कोई डिग्री है तब भी आप क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो। बाकी सारी पोस्ट के लिए आपकी केवल बैचलर डिग्री है, तो अल्टीमेटली आपके पास केवल डिग्री हो तो ज्यादा बेटर है। केवल आपका ये जूनियर स्टैटिस्टिकल वाला जो पोस्ट है इसके लिए अगर आपके पास मैथ्स में 60% नहीं है ट्वेल्थ में, तो आपके पास स्टैटिस्टिक से कोई अगर डिग्री है तो वो उसे भी हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसमें मैं आपको बता दूं जो जरूरी पॉइंट है मैं आपको वही लेके आया हूं वो बता रहा हूं, बाकी सारी चीजें कॉमन पॉइंट है हर बार वही रहता है। ये प्रीलिम्स का 25-25-25 था, इसमें एक घंटा रहेगा, और इसका नेचर जो है मैं नेचर आपको बता दूं क्वालिफाइंग होगा, मार्क्स नहीं जुड़ेगा, मैं कई बार बोल रहा हूं इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए निराशा वाली बात भी है लेकिन आप भी पैनिक मत हो निराश मत हो, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि यहां से हट गया है आप उतना अच्छा तो मेंस में आप प्रेफर कर सकते हो। तो ये बाकी सबको क्या कर दिया है जैक ऑफ ऑल वाले कंडीशन ले आया है, सभी लोग एक सेलिंग इन द सेम बोट हो गए हैं, और अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। ये प्रीलिम्स निकालना बहुत आसान है, आप इंटेलिजेंस इसमें जिसे बोलते हो रीजनिंग में आप 25 में से 25 ला सकते हो, एसएससी का पेपर ऐसा पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस में कोई भी 25 में 25 नहीं पाता, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे तो करंट अफेयर्स और थोड़ा बहुत स्टैटिक पढ़ लोगे तो आप 12 से 15 नंबर ले आओगे, और इतना ही एवरेज, कोई बहुत पढ़ता है वो भी, कोई नहीं पढ़ता है वो भी, 12 से 15 नंबर के बीच में ही रह जाता है, तो आप केवल इतना टारगेट करो। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप 20 स्कोर कर लो बहुत हो जाएगा, इंग्लिश में आप ज्यादा ना स्कोर करो केवल आप 10 स्कोर कर लोगे, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनकी इंग्लिश कमजोर है, और जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो कम से कम 20 प्लस लेके जाओ। हालांकि कोई मतलब नहीं, कोई टॉप भी मार देगा तो कोई मतलब नहीं है, कोई नंबर नहीं जुड़ना है, आप यहां पे 25 नंबर इसे लेके चलो, 12 से 15 यहां पे लेके चलो, 40 नंबर हो गए, 40-20-60 हो गए, और 70, देखो मैं 70% आपको बोला था कि कट ऑफ हो जाएगा, इतना इस स्ट्रेटजी काम कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा। या जिनका अगर ये कोई पार्ट ज्यादा कमजोर होता है कोई दूसरा पार्ट ज्यादा मजबूत कर लो, मैथ रीजनिंग में 25 में 25 नहीं आ रहा तो इंग्लिश में आप ज्यादा ले आओ 15-20 ले आओ, तो आपका बैलेंस आ जाएगा, इतना ही करके आप मेंस में पहुंच जाओगे। दूसरा
जो निगेटिव है इसका, निगेटिव इसका मैं आपको बता दूं कि 0.50 है, 1/4 है, प्रीलिम्स का 1/4 है, मेंस में अगर आप यही देखोगे तो 1/3 है, या आप मेंस देखो, मेंस का पूरा मॉड्यूल आपको समझा दे रहा हूं एक बार इन शॉर्ट में क्या है इसमें। 30 क्वेश्चन मैथ है, जैसा कि मैंने बोला मैथ्स के 30 क्वेश्चन पूछेगा और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन पूछेगा। इसे सेक्शन 1 बोला गया है, पेपर 1 का, पेपर 1 का सेक्शन 1, ये देखो पेपर 1 का सेक्शन 1 है और इसे सेशन 1 के अंतर्गत सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का पहला मॉड्यूल, मतलब पेपर 1 के अंदर सेशन 1 बोला गया है और सेशन 1 के अंदर क्या गया है, 3 सेक्शन डिवाइड किया गया है मैथ्स और रीजनिंग एक साथ, 30-30 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 60 ट्रिक 180 नंबर का है और एक घंटे एक सेक्शन को मिलेगा ईच सेक्शन। इसका मतलब यहां पे सेक्शनल टाइम अलॉट भी हो गया है ना, क्योंकि ये साफ साफ लिख दिया 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, एक सेक्शन में आपको एक ही घंटा मिल रहा है। दूसरी बात, सेक्शन 2 ये है, इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहां पे एक तो सेक्शनल कट ऑफ भी हो गया है, एक सेक्शनल टाइम भी हो गया है और ये बहुत जरूरी है, सबको बराबर है, बहुत जबरदस्त आपके लिए कर दिया है। तो अब आप समझना कि एक घंटे पहले आपका क्या होगा, सेक्शन 1 खुलेगा, मैथ्स और रीजनिंग होगा, उसके बाद आपका सेक्शन 2 खुलेगा जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होगा और इसमें भी आप इसका 30% मार्क्स लाना जरूरी है, मतलब 180 का 30% देखा जाए तो 54 नंबर, 54 नंबर आपका यहां पे जरूरी है। और ऐसे ही देखा जाए कि मॉड्यूल इसमें भी, इसमें 210 है, इसका भी 30% नंबर लेके आना जरूरी है। तो यहां पे भी आप देख सकते हो, मतलब कि यहां पे 180 नंबर में आपको 54 नंबर लाना था, 210 नंबर में आपको कितना नंबर लाना है, यहां पे 54 नंबर लेके आना है, यहां पे 63 नंबर लेके आना है। अगर इससे कम नंबर है तो दोनों सेक्शन में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और आपको टाइपिंग कंप्यूटर वाला भी इसी में है, टाइपिंग करने को नहीं मिलेगा, ये बात समझिएगा। और एक कंप्यूटर भी ले लो, ये 20 है, ये 20 यही 60 नंबर है, इसमें भी आपको कितना है, अब ये ध्यान देना इसके लिए क्या किया है, इसके लिए 20% केवल, तो 60 का 20% नंबर हो गया 6 × 12, यानी कि 12 मार्क्स आपको यहां पे लेके आना है, कंप्यूटर में भी लेके आना है और इसको 15 मिनट में ही लेके आना है, ये बड़ी बात कर दिया है। अभी तक क्या था, कंप्यूटर अगर ओवरऑल एक साथ ही दे देता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, कंप्यूटर इसलिए मैं शुरू में बोल रहा था कंप्यूटर बहुत जरूरी है, 12 नंबर आपको केवल लाना था, 4 क्वेश्चन केवल करना था, कर ले जाते, लेकिन 15 मिनट में ही, 15 मिनट कोई ज्यादा नहीं होता, अगर क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ेगा तो ये 15 मिनट में 4 क्वेश्चन भी सही करना क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है ये बात सही करना, हालांकि इतना मुश्किल वाली बात नहीं है बट फिर भी इसे आप पहले से समझते हुए चलना। तो एक घंटे के लिए एक सेक्शन खुलेगा, दूसरे घंटे के लिए दूसरा सेक्शन खुलेगा, 15 मिनट के लिए तीसरा सेक्शन खुलेगा, मतलब 2 घंटे 2 आवर और 15 मिनट के लिए क्या होगा, आपका एक बार वन सिटिंग वन ही रहेगी, आप ऑब्जेक्टिव पेपर देगो, अच्छा उसका सॉफ्टवेयर पहले से फिट रहेगा। अगर आप इनमें से किसी भी सेक्शन में नहीं कर पाए तो आपका क्या हो जाएगा, तुरंत ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप वहां से हटा दिए जाओगे, आपको टाइपिंग देने को नहीं मिलेगा। और अगर आप यहां पर क्वालिफाई कर जाओगे तब आप यहां पर सेशन 2 में आओगे, यहां पे दूसरा सेशन चलेगा, सिटिंग सिंगल रहेगी, एक ही सिटिंग में आपको बैठ के एग्जाम देना रहेगा और उसके बाद अब यहां पे टाइपिंग करना रहेगा। टाइपिंग में आपको बता दूं कि 2000 की डिप्रेशन पर मिनट है ना, 2000 की डिप्रेशन आपको 15 मिनट में करना है, 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट में करना है, मतलब अगर वर्ड में 5 लेटर का एक वर्ड माना जाए तो 25 से 30 आपका जाएगा, ये जब अलग से जो डिटेल्स देगा एसएससी का उस पर डिपेंड होगा, लेकिन अभी आप 2000 की डिप्रेशन लेके चलो, 15 मिनट में करना है और इसके लिए भी आपको केवल 15 मिनट ही समय मिलेगा, ये बात समझते हुए चलिएगा। अब ये समझिएगा कि कंप्यूटर नॉलेज वाला जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ ही मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और उसके जीएस के साथ होगा, और जो दूसरा होगा इसके लिए अलग से पहले ये एग्जाम हो जाएगा, यहां पे आप क्वालिफाई कर जाओगे तो यहां पे होगा, तुरंत ही सेम सिस्टम पे होगा और डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो हटा दिया जाएगा। उसके बाद आपके जो अलग पेपर 2 जो स्टेटिस्टिक जो सब्जेक्ट से भर रहे हैं उनके लिए 100 क्वेश्चन आएगा, यहां पे 2 ही नंबर का एक आएगा, 200 नंबर का पेपर 3 जो फाइनेंस वाले हैं अकाउंटेंट वाले हैं उनके लिए 100-200 आएगा। यहां पे इनके लिए जो मैं आपको बता दूं, इनके लिए जो मॉड्यूल है, हां इनके लिए पहले पेपर 1 के लिए जो मॉड्यूल है इनका जो निगेटिव है, इनका निगेटिव जो है ये 1/3 है, 1/3 है, मतलब 3 नंबर पॉजिटिव 1 निगेटिव है। और जो सेशन जो पेपर 2 और पेपर 3 है, पेपर 2 और पेपर 3 को देख लो, इनमें जो निगेटिव है
वो नेगेटिव क्या है, 1/4 है, इनमें नेगेटिव क्या है 1/4 है, ये बेसिक सा डिफरेंस है। तो ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी, आप कुछ पॉइंट और देख लो। पेपर वन कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए पेपर वन कंपलसरी है, ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। फिर बोले पेपर वन विल बी कंडक्टेड इन टू सेशन, दो सेशन में पेपर होगा, सेशन वन एंड सेशन टू ऑन द सेम डे, सेशन वन विल बी इंक्लूडेड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन वन सेक्शन टू एंड मॉड्यूल वन ऑफ, मतलब कि सेक्शन वन में आपका मैथ्स और रीजनिंग, उसके बाद सेक्शन टू में इंग्लिश और जीएस, और सेक्शन थ्री में कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव वाला, ये तीन आपका एक सेटिंग में होगा, और उसके बाद दूसरी सेटिंग में आपका जो 15 मिनट में टाइपिंग है वो कराया जाएगा। देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ सेशन विल बी 2 hours and 15 minutes एंड ड्यूरेशन ऑफ सेशन सेकंड विल बी 15 minutes, मतलब ढाई घंटे का आपका पेपर पूरा का पूरा होगा। ये समझिएगा कितने घंटे का टोटल जो पेपर होगा वो आपका कितने का होगा, 2.5 hours का, मतलब कि ढाई घंटे का पेपर आपका होगा। फिर इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर वन, पेपर वन के सभी सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी है। और उसके बाद ये निगेटिव वाला मैंने बता ही दिया, 1/3 है, और उसके लिए क्या दिया हुआ है, पेपर टू और पेपर थ्री के लिए 1/4 है। मॉड्यूल वन ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर वन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, ये क्या बोला है, मैंडेटरी है लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन यहां पे ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है, इसके आगे इसी पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इस पॉइंट पे बोल रहा है हाउ एवर व्हाइल शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड, जहां पे सीपीटी मांगा हुआ है, जैसे एएसओ हो गया, CSS में MEA AFHQ हो गया, या फिर GSI हो गया, या फिर CGST हो गया, या फिर CBIC हो गया, CBDT हो गया, इन सब पोस्टों के लिए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट, क्या ये सेट किया जाएगा, विल बी सेट किया जाएगा। इसमें हो सकता है कि उनका कंप्यूटर वाले मार्क्स को कंसीडर भी कर लिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके लिए कुछ अलग उनके ग्रेजुएशन या उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे ले लिया जाए। तो अभी आपको मान के चलना है केवल 4 क्वेश्चन कंप्यूटर में नहीं करना है, मेंस वाले कंप्यूटर में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेके आना है, ये आप दिमाग में अभी से डाल लो। उसके बाद ये जो टाइपिंग है उसमें अबाउट 2000 की डिप्रेशन दिया है, 15 मिनट में करना है, जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। उसके बाद बोले डिस्क्रिप्टिव विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, सबके लिए मैंडेटरी है, क्वालिफाइंग है, लेकिन करना टाइपिंग सबको है। पहले क्या होता था, सब लोग टाइपिंग नहीं करते थे, जो सेलेक्ट करते थे वही टाइपिंग करते थे। तो ये बात आप अच्छा, इंग्लिश टाइपिंग में कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पॉइंट ये भी समझ लो कि ये जो मैंने सिलेबस, ये सिलेबस है, सिलेबस में जो एक्स्ट्रा हुआ है मैथ में जोड़ा गया है, बाकी सिलेबस वही है। अगर आप मेंस का सिलेबस देखोगे तो मैथ्स के टॉपिक उसने अलग कर दिया, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टेटिस्टिक, मतलब 7 टॉपिक है, 30 क्वेश्चन बनाना है, तो ईच से दो तीन क्वेश्चन बनेगा, 7 × 21 = 28, 3 से 4 क्वेश्चन ईच टॉपिक से वो बनाएगा, और 3 से 4 क्वेश्चन में एक टफ, एक इजी, एक मॉडरेट, ऐसे ही बैलेंस पेपर को बनाते हुए चलेगा। तो जैक ऑफ ऑल आपको बनना है, पेपर बहुत आसान हो गया। और ये सभी आपके लिए खुशखबरी नहीं तो क्या है, इससे बड़ी खुशखबरी तो मेरे ख्याल से शायद नहीं हो सकती थी। कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये देख लो, जो मैंने क्वालिफाइंग आपको बताया था कि अनरिजर्व के लिए 30% है सारे सेक्शन में, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, मतलब कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर में आपको 20% बोला था, उसमें भी 30% है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना, उसमें भी 30% है। तो कंप्यूटर में आपका 4 नंबर नहीं, 20 क्वेश्चन का 30%, यानी 6 क्वेश्चन, मतलब 18 नंबर लाना जरूरी है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो वहां पे अगर मैं गलत बोलाऊंगा तो उसे सही कर लेना, यहां पे मैं उसे करेक्ट कर रहा हूं कि कंप्यूटर में भी आपको कितना लेके आना है, कंप्यूटर में भी आपको 60 में से 20-30-60 में से 18 नंबर मस्ट है, 18 नंबर मस्ट है। और ये सबसे बड़ी बात है, केवल 15 मिनट में करना है, तो ये चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग है, इस बात को समझना। इसे आसान भी नहीं ले सकते हो, बहुत डीप भी नहीं पढ़ना है, लेकिन एकदम इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। जैक ऑफ ऑल, मैं बार बार बोल रहा हूं, किंग ऑफ नन ना हो बट जैक ऑफ ऑल आप बनो, सब में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। और जो आपका केवल टाइपिंग है उसमें केवल 20%। अब 20% क्या, जैसे आप लोग पूछते हो कि टाइपिंग में सर एरर कितना अलाउ है, तो ये जो 20% है यही क्या है, 20% ही एरर अलाउड है, मतलब 80% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और 80% एक्यूरेसी बहुत होती है। अब आप निश्चिंत होकर टाइपिंग करना शुरू कर दो, बहुत लोड नहीं लेना है, लेकिन टाइपिंग सबके लिए जरूरी है, ठीक है, ये बात समझते हुए चलना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें, बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऑफ द पेपर ऑन टीयर 2 एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट, मतलब जो सिंपल वर्ड है, मेरिट जो बनेगा टीयर 2 के पेपर 1 पेपर 2 पे बनेगा, और उसके बाद
द कैंडिडेट हुआ नॉट क्वालिफाइड इन सेक्शन वन सेक्शन टू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इवेल्युएशन ऑफ सेक्शन थ्री, जो मैंने आपको पहले बता दिया, अगर सेक्शन वन सेक्शन टू भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप टाइपिंग भी नहीं दे पाओगे। इसके बदले सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर वन ऑफ टीयर सेकंड इज क्वालिफाइंग, जो डिस्क्रिप्टिव वो है आपका टाइपिंग है वो क्वालिफाइंग है, लेकिन मॉड्यूल वन अ सेपरेट हायर कट ऑफ डिसाइडेड बाय द कमीशन विल बी फिक्स्ड फॉर द पोस्ट वेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कंप्यूटर के मार्क्स को उन पदों के लिए कंसीडर किया जाएगा। सो सेक्शनल कट ऑफ इज नॉट ओनली सफिशियंट, आपको नेसेसरी कंडीशन देखनी है, आपको नंबर कंप्यूटर में भी लाके आना है, भले ही वो मेरिट में ना बने बट उन पोस्टों के लिए मेरिट में इंक्लूड हो सकता है जिन पोस्टों में सीपीटी पूछा है। और ऐसे ही आपका किसमें हो जाएगा, टाइपिंग वाले में तो कोई मार्क्स ही नहीं, तो उसकी कोई चिंता ही नहीं है। तो ये आज आपको मैंने सारी चीजें बता दी हैं एसएससी के लेके। अब बात आती है कि हम तैयारी कहां से करें, कैसे करें, क्या होना चाहिए। तो एक बात मैं बता दूं आपको, देखो अगर आप पर्याप्त उम्र है आपकी, मैच्योर हो, आप अच्छे से समझ सकते हो कहां पे तैयारी करनी कहां पे नहीं करनी है, लेकिन समय कम है, बहुत अच्छे से जहां भी जुड़ो, आप टीम परीक्षा प्लस से जुड़ो या कहीं पे भी जुड़ो, आप एक चीज कुछ चीजें ध्यान देना जो आपको दिमाग में रखने लायक है किसी भी कोर्स को खरीदने से पहले, है ना, किसी भी कोर्स को खरीदने से पहले कुछ जरूरी पॉइंट मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, उस चीज को ध्यान देना कि सबसे पहली बात कि वो जो संस्था है वो संस्था का पहले से ही एक्सपीरियंस रहा हो सारे सब्जेक्ट को अच्छा कवर कराने का, है ना, उस संस्था का सारा ऑल सब्जेक्ट पे उसकी पकड़ हो, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होंगी जो केवल मैथ्स की हैं या इंग्लिश की हैं, बाहर से टीचर अचानक से लाएंगी पूंजी के दम पे और बोलेंगे कि हम लेंगे, लेकिन टीचर वहां पे टिकता नहीं है और बीच बीच में टीचर छोड़ के चला जाता है, आप उसको जानते हो, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो क्लेम करती हैं मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज तो ऑल सब्जेक्ट पे उनका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी बात क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे तैयारी करने के लिए जुड़ गए हो जो राज्य स्तरीय परीक्षा में, तो एक ऐसी कोचिंग जिसे राज्य स्तरीय के साथ साथ केंद्र स्तरीय की समझ बहुत अच्छे से पता हो, उसका वो खुद बहुत अच्छी एनालिसिस हो, आप उससे जुड़ना। तो यहां पर समझना कि स्टेट से वो क्या हो, सेंट्रल की तरफ टेंड कर रही हो, ऐसा ना हो कि आप पता लगे कोई केंद्र स्तरीय ही कोचिंग है जो नहीं समझ रहा उसी में। अब यहां पर ऐसा मत समझना, उस पर मत जाना कि कोई एसएससी फोकस्ड कोचिंग है तो वही कोचिंग सबसे अच्छी है, बिल्कुल वो चाहे मेरी संस्था हो या कोई भी संस्था हो, मैं इस बात के लिए बोलूंगा, यह पॉइंट ले लेना। अब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो स्टेट वाले कोचिंग हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, अगर आपको किसी कोचिंग से जुड़ना है तब की बात मैं कर रहा हूं। तीसरी बात ये, एक ऐसी संस्था जहां पे कंप्यूटर के लिए, टाइपिंग के लिए जो डिटेल्स हैं और इसके साथ साथ ही जीएस, इनकी भी पकड़ एक बहुत अच्छी हो, उस संस्था से जुड़ो। बाकी फीस वगैरह तो मैटर करती है आपके लिए, वो तो टीम परीक्षा पर हमेशा करती है, और मैं इतना आपको एश्योर करा रहा हूं कि जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं इन सारे पॉइंट्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से कोर्स में आपको कवर करा दूंगा। हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपकी स्ट्रेटेजी के लिए, कैसे आपको तैयारी करनी है, कहां से कोर्स लेना है, कैसे नहीं लेना है, तो सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, किताबें क्या होनी चाहिए, पूरी पुरानी किताबें सब बदल गई, नई किताबें आएंगी, नए चीजें होंगे, नए तरीके से पढ़ने का तरीका होगा, तो सब कुछ नया नया है और बहुत अच्छा चांस भी है, 20,000 पद कम नहीं होते हैं। तो उम्मीद है ये सेशन में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा बच्चों, और अगर आपको कोई भी इसके अतिरिक्त भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे बहुत ही आराम से बिना किसी झिझक के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और टीम आधी रात दिन रात कभी भी आपके उत्तर का, आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेगी और देगी भी, और पूरे कोर्स में तो हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए एसएससी को लेके, सीजीएल को लेके बहुत सारे अभी वीडियोस लेके आएंगे, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।